लालची बिरयानी वाला। एक गांव में मधु नाम का एक आदमी बिरयानी बेचता था। वो बहुत बड़ा कंजूस और स्वार्थी था। उस गांव में सिर्फ उस अकेले का ही बिरयानी होटल था। अगर कोई उसके मुकाबले बिरयानी होटल खोलता तो मधु उसके होटल को नाश कर देता था। मधु से कोई भी नहीं भिड़ता था क्योंकि उस गांव का प्रेसिडेंट मधु का अच्छा दोस्त था। मधु अपने बिरयानी सेंटर में मिलावटी चीजें मिलाकर बिरयानी बनाकर बेचता था। बिरयानी में पीसेस कम और राइस ज्यादा डालता था। एक बार उसके पास एक व्यक्ति बिरयानी खा रहा था। वो लेग पीस निकालकर मधु को दिखाते हुए, ये क्या मधु, इस बिरयानी में लेग पीस इतना छोटा और पतला क्यों है? पूछा। मधु तब, सुना है कि वो मुर्गी साइज 0 मेंटेन कर रही थी, इसलिए उसके पैर उतने पतले हैं। कहा। तब वो कस्टमर, क्यों मजाक कर रहे हो क्या? कहा। मधु तब, अरे मजाक किसने शुरू किया रे, तुम्हारे दिए 100 रुपए को पूरा का पूरा मुर्गा परोसू क्या? जाओ जाओ। कहा। एक बार प्रेसिडेंट मधु के पास आया। प्रेसिडेंट मधु से, देखो मधु, तुम 100 किलो चिकन और 20 बोरिया बासमती चावल तैयार रखना। कहा। मधु तब, उतना चिकन और चावल क्यों चाहिए प्रेसिडेंट जी? पूछा। प्रेसिडेंट, पता चला है कि आने वाले दिनों में अपने गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। वैसे भी अपना तटीय क्षेत्र है, बाढ़ आएगी तो सारे घर डूब जाएंगे, लोगों को खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा। सही वक्त देखकर हम एक नाव लेकर नाव में बिरयानी रखकर एक प्लेट बिरयानी 300 रुपए में बेचे तो भी लोग आसानी से खरीदेंगे। कहा। तब मधु, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उनके पास से क्या लेंगे? कहकर पूछा। प्रेसिडेंट तब, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। इन कागजातों पे उनके दस्तखत लेंगे, बिरयानी के बदले दस्तखत लिखने कहेंगे, उन्हें मानना ही तो पड़ेगा, बाद में उनके जायदाद को अपने नाम पे कर लेंगे। कहकर हंसने लगा। मधु तब, अब वो नहीं प्रेसिडेंट जी, आपको गवर्नमेंट से पहले ही जानकारी मिल चुकी है ना, तो फिर लोगों को चौकन्ना क्यों नहीं किए है? कहकर सरकार वाले पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? पूछा। प्रेसिडेंट तब, और क्या कहूँगा, मैंने चौकन्ना किया था मगर लोगों ने मेरी बातों की परवाह नहीं की, यूँ कहूँगा, वैसे भी इन्हें पहले ही चौकन्ना किए तो ये निकम्मे सतर्क हो जाएंगे, तब हमें बिरयानी बेचने का मौका नहीं मिलेगा ना। कहा। प्रेसिडेंट के कहे जैसे ही 2 दिनों के बाद बहुत भयानक तूफान आने के कारण गांव में बाढ़ आई। पूरा गांव डूब गया। लोग मारे भूख के तड़पने लगे। थोड़े लोग अपने सर पर सामान उठाकर ले जा रहे थे। तभी वहां पर प्रेसिडेंट और मधु दोनों एक नाव पे बिरयानी रखकर वहां पर आए। गांव वालों में से एक, मधु बाबू, प्रेसिडेंट जी, इतने दिन आप लोग नीच और कमीने हैं कहकर हम सोच रहे थे, मगर आप तो देव मानुष निकले, हमारे लिए बिरयानी बनाकर लाए हो क्या? कहकर खुश हुए। तब मधु, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये बिरयानी आपके लिए ही है, मगर मुफ्त में नहीं, एक प्लेट बिरयानी 300 रुपए, पैसे नहीं है तो इन कागजातों पे दस्तखत किए तो बस है। कहा। तब एक, रे कमीनो, ऐसे समय में भी आपको आपका व्यापार जरूरी है क्या? तुम लोग नाश हो जाओगे रे। कहा। बस एक पेड़ की डाली लगकर प्रेसिडेंट और मधु दोनों पानी में गिर गए। एक औरत, अच्छा हुआ इन कमीनों को, इस बाढ़ में डूब के मर जाओ रे, हम तुम्हारे लाए बिरयानी खाकर इस नाव की मदद से सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। बोली। तब प्रेसिडेंट और मधु दोनों, हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए, आपको जितने चाहे उतने पैसे देंगे, हमें बचाइए, कहकर पुकारने लगे। तब वो औरत, हम तुम्हारे जैसे स्वार्थी नहीं है, हमें पैसे नहीं चाहिए, मगर अब से तो भी ईमानदारी से जीना सीखो। बोली। गांव वालों ने दोनों को बचाया और तब से प्रेसिडेंट गांव की भलाई के लिए मेहनत करने लगा। मधु ईमानदारी से बिरयानी बेचते हुए कभी कभार गरीबों को मुफ्त में बिरयानी खिलाते हुए खुशी से जीने लगा।